नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार और आप हैं बिहारी न्यूज के साथ। और आज हम बात करेंगे कौन बनेगा सांसद में पश्चिम चंपारण सीट की। 2019 में पश्चिम चंपारण से कौन बनेगा सांसद। पश्चिम चंपारण नेपाल की सीमा से सटा उत्तरी बिहार का हिस्सा है। सत्याग्रह भूमि पश्चिम चंपारण को प्रयोग की धरती यूं ही नहीं कही जाती। केदार पांडे जैसा मुख्यमंत्री देने वाले इस लोकसभा क्षेत्र से महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत की थी। महात्मा गांधी की कर्मभूमि चंपारण लंबे समय से सियासी सक्रियता का केंद्र रहा है। 2002 के परिसीमन के बाद 2008 में वाल्मीकि नगर और पश्चिम चंपारण के दो अलग अलग सीटों के रूप में अस्तित्व में आई। इससे पहले पश्चिम चंपारण का अधिकांश हिस्सा बेटिया सीट के तहत आता था। पश्चिम चंपारण के उत्तर में नेपाल तथा दक्षिण में गोपालगंज जिला स्थित है। इसके पूर्व में पूर्वी चंपारण है, जबकि पश्चिम में इसकी सीमा उत्तर प्रदेश के पडरौना तथा देवरिया जिले से लगती है। गंडक और सिकरहना तथा इसकी सहायक नदियों के पास होने से पश्चिमी चंपारण जिले की मिट्टी उपजाऊ है। कृषि और छोटे छोटे गृह उद्योग के साथ ही लोगों के रोजगार का प्रमुख जरिया है। अच्छी क्वालिटी की बासमती चावल तथा गन्ने के उत्पादन के लिए ये जिला मशहूर है। परिसीमन के बाद 2009 और 2014 के चुनाव में बीजेपी के संजय जायसवाल ने इस सीट से जीत हासिल की। डॉक्टर संजय जायसवाल के पिता डॉक्टर मदन प्रसाद जायसवाल भी लोकसभा सांसद रह चुके हैं। स्वर्गीय मनोज पांडे सांसद रह चुके हैं यहाँ से। 2019 चुनाव से पहले बीजेपी और जेडीयू एकजुट हो गए और बदले समीकरणों में महागठबंधन को चुनौती भी बड़ी है। पश्चिमी चंपारण संसदीय क्षेत्र से मतदाताओं की कुल संख्या 12,20,868 है। इनमें से 6,58,427 पुरुष व 5,62,441 महिला वोटर हैं। पश्चिम चंपारण लोकसभा सीट के तहत विधानसभा की 6 सीटें आती है। इनमें नौतन, चनपटिया, बेतिया, रक्सौल, सुगौली और नरकटिया शामिल है। 2015 के विधानसभा चुनाव के नतीजों पर गौर करें तो इस संसदीय क्षेत्र की 6 विधानसभा सीटों में 4 पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी, जबकि एक एक सीट पर राजद और कांग्रेस के हाथ आई थी। 2014 के चुनाव में पश्चिम चंपारण लोकसभा सीट से भाजपा के डॉक्टर संजय जायसवाल ने जदयू उम्मीदवार और फिल्म निर्देशक प्रकाश झा को हराया था। उत्तर प्रदेश और नेपाल की सीमा से लगा पश्चिम चंपारण का इलाका देश के स्वाधीनता संग्राम में काफी सक्रिय रहा। पूरे चंपारण में ब्राह्मण मतदाताओं की संख्या भी बहुत है। आज़ादी के आंदोलन के समय चंपारण के ही एक रैयत राजकुमार शुक्ल के निमंत्रण पर महात्मा गांधी अप्रैल 1917 में मोतिहारी आए और नील की खेती से त्रस्त किसानों के अधिकार की लड़ाई लड़ी। अंग्रेजों के समय चंपारण को स्वतंत्र इकाई बनाया गया था। प्रशासनिक सुविधा के लिए 1972 में इसका विभाजन कर पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण दो अलग अलग जिले बना दिए गए। 2019 के लोकसभा चुनाव में पश्चिमी चंपारण से डॉक्टर संजय जायसवाल भाजपा की तरफ से फिर चुनावी मैदान में है। वहीं महागठबंधन के खाते में ये सीट रालोसपा को मिली है। यहां से डॉक्टर ब्रजेश कुमार कुशवाहा रालोसपा के टिकट पर चुनावी मैदान में है। इस सीट से महागठबंधन की ओर से टिकट नहीं मिलने पर बाहुबली राजन तिवारी ने निर्दलीय लड़ने का ऐलान किया था, लेकिन आखिर में वे बीजेपी में शामिल हो गए। 2014 के चुनाव में पश्चिम चंपारण सीट से बीजेपी के डॉक्टर संजय जायसवाल ने जेडीयू उम्मीदवार और फिल्म निर्देशक प्रकाश झा को हराया था। प्रकाश झा इस सीट से चुनावी मैदान में अपनी किस्मत अजमाने उतरे थे और मोदी लहर में बीजेपी के हाथ ये सीट लगी। बीजेपी उम्मीदवार डॉक्टर संजय जायसवाल को 3,71,232 वोट मिले थे, जबकि
प्रकाश झा को 260,978 वोट मिले थे। वहीं आरजेडी के रघुनाथ झा को 121,800 वोट मिले थे। डॉक्टर संजय जायसवाल 2009 के चुनाव में भी इस सीट पर जीत हासिल कर चुके हैं। वहीं अन्य पार्टी से अन्य उम्मीदवार और निर्दलीय उम्मीदवार भी चुनावी मैदान में है। आपका मत ये निर्णय करेगा कि किसे आप 2019 में अपना सांसद चुनना चाहते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, और फेसबुक पर देख रहे हैं तो वहाँ लाइक कीजिए। धन्यवाद।